फ्रेंड्स, वेलकम टू मेघा डी क्लासेस। आज की वीडियो में बच्चों हम मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग पढ़ेंगे। इन द लास्ट वीडियो मैंने आपको बताया था कि ब्रीदिंग क्या होती है, किस तरह से गैसेस का एक्सचेंज होता है, डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में क्या क्या रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स हैं और ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम के जो डिफरेंट पार्ट्स हैं हमने उनके बारे में पढ़ा था। अब हम करेंगे कि ब्रीदिंग एग्जैक्टली होती किस तरीके से, उसका मैकेनिज्म क्या है। तो ब्रीदिंग में बच्चों बेसिकली दो स्टेजेस होती है, वन इज इंस्पिरेशन एंड वन इज एक्सपिरेशन। इंस्पिरेशन का मतलब क्या होता है, आप इसको ऐसे याद रख सकते हो, इन का मतलब होता है अंदर एंड एक्स मतलब एग्जिट यानी कि बाहर। तो जिस प्रोसेस के थ्रू एटमोस्फेरिक एयर हमारी बॉडी के अंदर आती है सो दैट इज इंस्पिरेशन, और जिस प्रोसेस के थ्रू जो एल्वियोलाई है उस एल्वियोलाई के अंदर जो CO2 या जो बची हुई एयर है जब वो हमारी बॉडी से बाहर रिलीज हो जाती है तो दैट इज एक्सपिरेशन। तो यहाँ पर जब ये एयर अंदर या बाहर जा रही है मतलब उसकी ये जो मूवमेंट होती है तो इस मूवमेंट के दौरान लंग्स और एटमॉस्फेयर के बीच में एक प्रेशर ग्रेडियंट बन जाता है। इंस्पिरेशन में क्या होगा, इंस्पिरेशन के अनाकर इफ द प्रेशर विद इन द लंग्स इज लेस देन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। आप एक नॉर्मल सी बात सोच के देखो कि जनरली कोई भी चीज जो है वो कहाँ से कहाँ मूव करती है, जहां प्रेशर ज्यादा है वहां से वो कम प्रेशर की तरफ मूव करती है। तो यहां पर भी क्या हो रहा है कि लंग्स के अंदर का जो प्रेशर है मीन्स जो इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर है वो कम है और जो बाहर का प्रेशर है एटमॉस्फेयर का प्रेशर है वो ज्यादा है। तो जब अंदर का प्रेशर कम होगा बाहर का प्रेशर ज्यादा होगा तो इंस्पिरेशन होगी, यानी कि जो एयर है वो बाहर से अंदर की तरफ मूव ऑन करेगी, यानी कि लंग्स के अंदर एक नेगेटिव प्रेशर बिल्डअप हो जाएगा एज कम्पेयर टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। इसी तरीके से जब आप बात करते हो एक्सपिरेशन की तो यही प्रोसेस आपका उल्टा हो जाएगा, अब लंग्स के अंदर का जो प्रेशर है वो ज्यादा हो जाएगा और बाहर के एटमॉस्फेयर का जो प्रेशर है वो कम हो जाएगा। तो अंदर का प्रेशर ज्यादा होने की वजह से अंदर से जो एयर है वो बाहर की तरफ मूव ऑन करेगी। इसके अलावा इन दोनों प्रोसेस में डायफ्रेम और कुछ स्पेशल मसल्स होती हैं जो पार्टिसिपेट करती हैं। डायफ्रेम क्या होता था, जब हमने बच्चों लास्ट वीडियो में ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ा था तो वहां पर हमने देखा था कि लंग्स के नीचे एक कर्व्ड स्ट्रक्चर होता था दैट इज डायफ्रेम, जो कि इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन के अकॉर्डिंगली अपनी पोजीशन और अपनी शेप को मॉडिफाई कर सकता है। तो यहां पर भी बच्चों क्या हो रहा है कि जो आपकी कुछ स्पेशल मसल्स हैं जिसमें आपकी एक्सटर्नल और इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स आती हैं जो रिब्स के बीच में काम करती हैं और जो डायफ्राम है, ये सारी चीजें मिलकर ग्रेडियंट यानी कि डिफरेंस क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। इंस्पिरेशन इज इनिशिएटेड बाय द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डायफ्राम। जब डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है तो उस समय क्या होता है, थोरेसिक चैम्बर की जो वॉल्यूम है वो बढ़ जाती है एंड द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल लिफ्ट्स अप द रिब्स। और जो एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स है जब वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगी तो उससे जो रिब्स है वो ऊपर की तरफ लिफ्ट अप हो जाते हैं एंड द स्टर्नम कॉजिंग एन इंक्रीज इन द वॉल्यूम ऑफ द थोरेसिक चैम्बर। तो यहाँ पे मैं दोबारा से एक बार रिपीट करना चाहूंगी कि क्या होता है, जिस टाइम इंस्पिरेशन होती है यानी कि जिस टाइम एयर अंदर आती है उस टाइम जो डायफ्राम है वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है सिकुड़ना। आपको पता है डायफ्राम जो है वो इस पोजीशन में रहता है नॉर्मली, अगर ये कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है सिकुड़ रहा है तो इसका मतलब आप ये कह सकते हो ये कर्व की बजाय थोड़ा सा स्ट्रेट हो जाएगा। जब ये स्ट्रेट हो जाएगा तो जैसे यहाँ पर आपके लंग्स थे, अगर पहले ये ऐसे था और अब ये स्ट्रेट हो गया तो इसका मतलब इसके नीचे जाने की वजह से जो ये जगह थी ये जो वॉल्यूम थी ये बढ़ गई, यानी कि थोरेसिक चैम्बर की जो वॉल्यूम है वो बढ़ जाएगी, ठीक है। और इसके अलावा जो यहाँ पे और मसल्स हैं जब वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगी तो उनके कॉन्ट्रैक्ट होने की वजह से जो रिब्स हैं जो इसके आसपास रिब्स प्रेजेंट हैं वो सारी ऊपर की तरफ लिफ्ट अप हो जाएंगी मतलब ऊपर उठेंगी और उसकी वजह से क्या होगा, जो थोरेसिक चैम्बर है उसकी वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगी और वॉल्यूम इंक्रीज होने की वजह से क्या होगा, जो पल्मोनरी वॉल्यूम यानी कि जो लंग्स के अंदर की वॉल्यूम है वो भी बढ़ जाएगी। तो पल्मोनरी वॉल्यूम के इंक्रीज होने की वजह से जो प्रेशर है वो डिक्रीज हो जाएगा एज कम्पेयर टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर, क्योंकि आपने एक चीज पढ़ी होगी फिजिक्स में कि जो प्रेशर है वो एरिया के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो यहाँ पर आप ये कह सकते हो कि प्रेशर जो है वो वॉल्यूम के भी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, यानी कि अगर आप किसी चीज की वॉल्यूम भी बढ़ा दोगे तो ऑटोमेटिकली उसका जो प्रेशर है वो कम हो जाएगा। तो यहाँ पर रिब्स
और आपका जो ये डायफ्राम था और जितने भी मसल्स थी, इन सब ने मिलकर उसके अंदर का जो एरिया था, जो स्पेस था, जो वॉल्यूम थी, उसको बढ़ा दिया। तो वॉल्यूम बढ़ने की वजह से जो प्रेशर था वो घट गया। तो प्रेशर घटने की वजह से अब बाहर का जो एटमोसफेयर है उसका प्रेशर ज्यादा है और लंग्स के अंदर का प्रेशर कम है। तो इस वजह से जो एयर है वो बाहर से अंदर की तरफ मूव करेगी, जिसको आप इंस्पिरेशन बोलते हो। अब जब बच्चों हम बात करेंगे एक्सपिरेशन की, तो यही सारा प्रोसेस आपका उल्टा हो जाएगा। मतलब आपको एक बात याद रखनी है कि जब हम इंस्पिरेशन की बात करते हैं तो उस समय आपका डायफ्राम या आपकी जितनी भी मसल्स थी वो सारी कॉन्ट्रैक्ट हो रही थी। कॉन्ट्रैक्ट होने की वजह से जो वॉल्यूम थी वो इंक्रीज हो रही थी। अब जब आप एक्सपिरेशन की बात करोगे तो आप इस सारे प्रोसेस को रिवर्स कर दो, यानी कि आप इंस्पिरेशन की जगह एक्सपिरेशन कर दोगे। जहां पर आप कॉन्ट्रैक्शन कह रहे थे वहां पर आप कह सकते हो एक्सपेंशन या रिलैक्सेशन, क्योंकि कॉन्ट्रैक्शन का मतलब होता है सिकुड़ना, एक्सपेंशन या रिलैक्सेशन का मतलब होता है फैल जाना। तो अब क्या होगा, अब यहाँ पर जब पल्मोनरी वॉल्यूम जो है, सॉरी, जब आपका डायफ्राम है जब वो रिलैक्स हो जाएगा और साथ ही साथ जो दूसरी मसल्स हैं जब वो सारी रिलैक्स हो जाएंगी, तो जो आपका डायफ्राम है जो पहले ऐसे स्ट्रेट हो गया था वो वापिस अब अपनी नॉर्मल पोजीशन पे आ जाएगा, और जो स्टर्नम यानी कि जो ब्रेस्ट बोन है वो भी अपनी नॉर्मल पोजीशन पे आ जाएगी। मतलब कि जितनी वॉल्यूम बढ़ी थी वो वॉल्यूम वापिस से घट जाएगी। तो इसकी वजह से अब जो लंग्स के अंदर की वॉल्यूम है वो भी कम हो जाएगी। वॉल्यूम कम होने की वजह से आप जो लंग्स के अंदर का प्रेशर है वो बढ़ जाएगा। तो जब इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर एटमोस्फेरिक प्रेशर से ज्यादा हो जाएगा, यानी कि अंदर का प्रेशर बाहर के प्रेशर से ज्यादा है, तो जो हवा है वो अंदर से बाहर की तरफ रिलीज हो जाएगी, जिसे आप एक्सपिरेशन बोलते हो। अब इसके अलावा हमारे एब्डोमेन में यानी कि हमारे पेट में कुछ दूसरी मसल्स भी होती हैं जो इंस्पिरेशन या एक्सपिरेशन की स्ट्रेंथ को बढ़ा सकती हैं। अगर आप एक नॉर्मल एवरेज बंदे की बात करो, मतलब एक नॉर्मल पर्सन है जिसको कोई बीमारी नहीं है, तो वो एक मिनट में 12 से 16 बार सांस ले सकता है। यहाँ पर सांस लेने का मतलब है सांस को अंदर खींचना और सांस को छोड़ना, मतलब ये एक प्रोसेस है। तो एक मिनट के अंदर वो 12 से 16 बार सांस ले सकता है। लेकिन अगर वो कोई हैवी काम कर रहा है, जैसे भाग रहा है, दौड़ रहा है, मैकेनिकल वर्क कर रहा है, तो उस समय उसका जो ब्रीदिंग रेट है वो 25 से 30 टाइम्स भी हो सकता है। तो कितनी वॉल्यूम ऑफ एयर एक पर्सन ने सांस लेने के दौरान अपनी बॉडी के अंदर ली है, उसको मेजर करने के लिए जिस इंस्ट्रूमेंट को हम यूज करते हैं, दैट इंस्ट्रूमेंट इज नोन एज द स्पायरोमीटर। और इसी इंस्ट्रूमेंट को चेक करके हम ये पता लगा सकते हैं कि किसी पर्सन को कोई पल्मोनरी प्रॉब्लम तो नहीं है, मतलब किसी के लंग्स में कोई दिक्कत तो नहीं है। क्योंकि बच्चों जनरली ऐसा देखा जाता है कि जब कोई पर्सन स्मोकिंग करता है तो उसकी जो लंग्स की एक्सपेंड करने की और रिलैक्स करने की कैपेसिटी है वो कम हो जाती है। तो उस केस में ऐसा देखा जाता है कि उसका जो ब्रीदिंग रेट है वो काफ़ी हद तक अफेक्ट होता है। तो स्पायरोमीटर की हेल्प से आप ये फाइंड आउट कर सकते हो कि किसी भी पर्सन को कोई ऐसी प्रॉब्लम तो नहीं है। अब जो बच्चों हमने इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन के बारे में पढ़ा है उसी को यहाँ पे डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट किया है। यहाँ पे ए डायग्राम जो है इंस्पिरेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। देखो यहाँ पर आप देखोगे कि जो डायफ्राम है वो आपका कर्व्ड था, तो जब वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, मतलब थोड़ा सा नीचे की तरफ आ जाएगा और जो मसल्स हैं वो सारी हल्की हो जाएंगी, तो ये ऊपर की तरफ चली जाएंगी। तो यहाँ पर आप देखोगे कि लंग्स का जो स्पेस है वो बढ़ गया। लंग्स का स्पेस क्योंकि यहाँ पे रिब्स और स्टर्नम सारी चीजें ऊंची हो गई, तो आपके लंग्स के अंदर ज्यादा जगह होगी। थोरेक्स का भी जो वॉल्यूम है वो इंक्रीज हो गया, तो उस केस में अंदर का प्रेशर कम हो जाएगा, बाहर का प्रेशर ज्यादा हो जाएगा, तो इसलिए एयर जो है बाहर से अंदर आएगी। दूसरे केस में आप देखोगे कि डायफ्राम जो है वो रिलैक्स होके वापिस अपनी जगह चला गया, लंग्स के अंदर की और थोरेक्स के अंदर की जो वॉल्यूम है वो कम हो गई, रिब्स और स्टर्नम भी अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे चले गए। अब अंदर की वॉल्यूम कम है, बाहर की वॉल्यूम ज्यादा है, तो अंदर का प्रेशर बढ़ने की वजह से जो एयर है वो अंदर से बाहर की तरफ मूव ऑन करेगी। इसके बाद कुछ टर्म्स है जो हम अभी यहाँ पे पढ़ेंगे, आपकी 8-10 डेफिनेशंस हैं। ये डेफिनेशंस आपको अच्छे से करनी है क्योंकि जनरली 1 या 2 मार्क में इनमें से क्वेश्चन डेफिनेटली आता है। तो इन्हें हम बोल सकते हैं रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स एंड कैपेसिटी। तो सबसे पहली आती है बच्चों इसमें टीवी। कई बार ये पेपर में जब आपको क्वेश्चन आता है तो पूरा नाम ना लिखने की बजाय एब्रीविएटेड फॉर्म में भी आ सकता है, जैसे आपको ये भी आ सकता है डिफाइंड टीवी। तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि टीवी का एग्जैक्टली मीनिंग क्या है। तो टीवी का मतलब है यहाँ पे टाइडल वॉल्यूम,
वॉल्यूम ऑफ एयर इंस्पायर्ड और एक्सपायर्ड ड्यूरिंग ए नॉर्मल रेस्पिरेशन। अगर एक पर्सन सिर्फ नॉर्मल सांस ले रहा है, मतलब कोई भागा दौड़ी वाला काम नहीं कर रहा, तो उस समय उसने कितनी एयर अंदर ली और कितनी एयर बाहर छोड़ी, वो उसकी टाइडल वॉल्यूम है। तो अप्रोक्सीमेटली एक हेल्दी पर्सन के लिए आप ये कह सकते हो कि एक बारी में वो 500 ml तक जो है रेस्पिरेशन कर सकता है। और अभी हमने बात की थी कि अगर कोई बंदा नॉर्मल है तो वो एक मिनट के अंदर 12 से 18 बार तक सांस ले सकता है। तो अगर एक बार में वो 500 ml हवा ले रहा है या छोड़ रहा है, तो आप ये कह सकते हो कि एक मिनट के अंदर 12 से अगर आप इसको मल्टीप्लाई करो तो लगभग 6000 से 8000 ml तक एयर वो एक मिनट के अंदर इनहेल कर सकता है या एक्सहेल कर सकता है। इसके बाद नेक्स्ट डेफिनेशन आती है IRV, यानी कि इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम का मतलब क्या होता है? अभी तक हमने बात की थी नॉर्मल रेस्पिरेशन में। अगर कोई पर्सन फोर्सिबल इंस्पिरेशन करे, मतलब कि जबरदस्ती आप उसको कहो कि और सांस वो अंदर खींचे, यानी कि कितनी एडिशनल, कितनी एक्स्ट्रा वॉल्यूम वो एयर की जबरदस्ती खींच सकता है, वो उसकी इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम होती है, जो लगभग 2500 से 3000 ml होती है। इसी तरह से एक एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम है ERV। इसका मतलब भी वही है कि जब आप किसी पर्सन को फोर्सिबल यानी कि जबरदस्ती कहते हो कि वो जितनी भी हो सके सांस को रिलीज कर दे, वो उसकी एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम है, जो जनरली 1000 से 1100 ml तक हो सकती है। इसके बाद नेक्स्ट आता है आरवी। आरवी का मतलब होता है बच्चों रेजिडुअल वॉल्यूम। रेजिडुअल वॉल्यूम का मतलब क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ एयर रिमेनिंग इन द लंग्स इवन आफ्टर ए फोर्सिबल एक्सपिरेशन। अब ऐसा नहीं है कि किसी पर्सन से आपने जबरदस्ती सांस रिलीज करवा दी तो वो बिल्कुल अंदर से खाली हो गया, नो। अभी भी उसके अंदर कुछ ना कुछ एयर बाकी रह जाती है। तो फोर्सिबल एक्सपिरेशन करने के बाद भी किसी पर्सन के लंग्स में जो एयर की वॉल्यूम बच जाती है उसे हम रेजिडुअल वॉल्यूम बोलते हैं, और ये 1100 से 1200 ml तक हो सकती है। तो अभी हमने जो ये 3-4 रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स पढ़ी हैं, अगर आप इन सबको आपस में ऐड करते जाओ तो आप अलग अलग कैपेसिटी बना सकते हैं। मतलब ये सारी वॉल्यूम्स थी, जब आप डिफरेंट वॉल्यूम्स को प्लस कर देते हो तो वो कैपेसिटी बन जाती है। तो जब हम क्लिनिकल डायग्नोसिस यानी कि किसी पर्सन की डिजीज को फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं तो उस टाइम हम इन्हीं कैपेसिटीज का फाइंड आउट करते हैं। तो सबसे पहले आती है इंस्पिरेटरी कैपेसिटी IC, टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर आ पर्सन कैन इंस्पायर आफ्टर ए नॉर्मल एक्सपिरेशन। यानी कि फोर्सिबली जब कोई पर्सन एक्सपिरेशन करता है उसके बाद वो कितनी वॉल्यूम और इंस्पायर कर सकता है, ले सकता है। तो इसके अंदर हम टाइडल वॉल्यूम और इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम दोनों को प्लस कर देंगे। इसी तरह से नेक्स्ट आती है एक्सपिरेटरी कैपेसिटी। जब एक पर्सन नॉर्मल इंस्पिरेशन करता है उसके बाद वो कितनी टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर एक्सपायर कर सकता है, इसमें हम टाइडल वॉल्यूम और एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम को जोड़ देंगे। इसके बाद आता है फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी। नॉर्मल एक्सपिरेशन करने के बाद लंग्स के अंदर टोटल कितनी एयर बचती है वो होती है फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी, यानी कि आप उसकी एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम और रिजर्व वॉल्यूम को जोड़ दोगे। इसके बाद नेक्स्ट आता है वाइटल कैपेसिटी। द मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन ब्रीद इन आफ्टर फोर्स एक्सपिरेशन। फोर्स एक्सपिरेशन करने के बाद कितनी मैक्सिमम एयर एक पर्सन अंदर ले सकता है, तो इसमें एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, टाइडल वॉल्यूम और इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, मतलब तीनों चीजें जुड़ जाती हैं। और लास्ट में आती है टोटल लंग कैपेसिटी। टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर अकोमोडेटेड इन द लंग्स एट द एंड ऑफ फोर्स इंस्पिरेशन, मतलब कि अगर कोई पर्सन जबरदस्ती सांस खींच रहा है और उसके बाद उसके लंग्स में वो ज्यादा से ज्यादा कितनी हवा रख सकता है, कितनी मतलब उसके लंग्स की कैपेसिटी है, वो उसकी होती है टोटल लंग कैपेसिटी। इसमें आपने जितनी भी टर्म्स पढ़ी, रेजिडुअल वॉल्यूम, एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, टाइडल वॉल्यूम या इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, आप उन सबको जोड़ दोगे। या आप ये कह सकते हो वाइटल कैपेसिटी रेजिडुअल वॉल्यूम को जोड़ दो, क्योंकि वाइटल कैपेसिटी के अंदर भी हमने यही सारी तीनों चीजें जोड़ी थी। तो इसमें थोड़ा सा बच्चों क्रैमिंग वर्क है, बट यहाँ पे मैं आपको बता दूं जो ज्यादा इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं वो आपकी है वाइटल कैपेसिटी और टाइडल वॉल्यूम। ऑल दो बाकी भी आ सकती हैं, बट ज्यादा चांसेस जो हैं इन दोनों डेफिनेशंस के आने के रहते हैं।